हिंद साथियों, जब राहुल गांधी जी ने आरोग्य सेतु ऐप को एक सर्वेलांस टूल बताया था और ये कहा था कि ये लोगों की जासूसी करने के लिए बनाया गया है और इस पे सवाल उठाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी कूद कूद कर जवाब दे रही थी कि वो गलत बोल रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे थे। आज देखिए कि क्या हुआ। सौरभ दास नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके बारे में, उसके प्रस्ताव का जो मूल विवरण है, उसके अनुमोदन का विवरण है, उसमें शामिल जो कंपनी है, जो व्यक्ति है और जो एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ उसकी प्रतियां मांगी, तो जवाब यह आया कि ये किसी के पास नहीं है। मैं क्या किसके बारे में बात कर रही हूं, 2 महीने तक ये एप्लीकेशन एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। इसके बाद नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने यह कह दिया है कि आरोग्य सेतु ऐप को डेवलप किए जाने से संबंधित कोई भी फाइल एनआईसी के पास नहीं है। उधर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उन्होंने इस सवाल को नेशनल ई गवर्नेंस के पास भेजा और उन्होंने क्या कहा, नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट ने, उन्होंने कहा कि जो सूचना मांगी गई है वो हमारे प्रभाग से संबंधित नहीं है। और एनडीटीवी की इस खबर के बारे में जो मैंने देखा उसके हिसाब से बता रही हूं कि ये जो टूल है जिसको एक एसेंशियल टूल, अनिवार्य टूल बनाया गया था कोविड को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार बना के दिखाया जा रहा था जिसमें लाखों भारतीयों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था। और अब खबर यह आ रही है कि किसी को पता ही नहीं कि ये बनाया किसने है। एक तरफ आरोग्य सेतु वेबसाइट जो है उस पर लिखा है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इसको डिवेलप किया है, और दूसरी तरफ अब सूचना के अधिकार के तहत ये जवाब आए हैं कि ये वो जानते ही नहीं कि ऐप किसने डिवेलप किया है, इसके बारे में उनके पास कोई खबर नहीं है। तो सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग ने इन डिपार्टमेंट्स को 24 नवंबर को अपने सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा है और उन्होंने ये कहा है कि ये दलील जो है ये स्वीकार्य नहीं है कि किसने ऐप को डेवलप किया, कहां पर फाइल्स हैं, और ये बहुत ऊटपटांग का है। अब आगे देखते हैं क्या होता है 24 नवंबर को, मगर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में ये खबर बहुत ही कंसर्निंग है।